यज्ञ कुंड नूं धरती दी नाभी कहा गया है। नाभी तो ही गर्भ विच शिशु नूं पोषण मिलता है। धरती ते स्थित प्रकृति चक्कर दा संतुलन यज्ञ प्रक्रिया तो ही हुंदा है। माता भगवती देवी शर्मा। पुस्तक दा नाम यजुर्वेद भाग 2। पुस्तक दी जानकारी, वेद लंबे समय तो भारतीय जनजीवन दे अंग रहे हन। अज ए समझा जांदा है कि भारतीय जनजीवन दी वैदिक विज्ञान तो बहुत दूर चलिया गया है, पर यजुर्वेद वेद दा इक अजिहा भाग है जो अज भी जनजीवन विच अपना स्थान किसे ना किसे रूप विच बनाए हुए है। देव संस्कृति दे पैरोकार भावे पश्चिमी सभ्यता तो किन्ने भी प्रभाव क्यों ना होए होन, जन्म तो लैके व्याह अते अंत्येष्टि तक कर्म कांडा नाल उन्हां दा संबंध थोड़ा बहुत बनिया ही रहिंदा है। संस्कारां अते यज्ञ कर्म कांडा दे ज्यादातर मंत्र यजुर्वेद दे ही हन। उन्हां दी मंत्र शक्ति अते प्रेरणा दा संपर्क भारतीय जनजीवन दे नाल निरंतर बनिया ही होया है। सामने पेश है ये दिव्य पुस्तक यजुर्वेद संहिता। इसी उम्मीद दे नाल पेश कर रहे हां, इस दा अध्ययन जेकर मनोयोग पूर्वक करोगे अते उस दी गहराई तक पहुंचोगे जिस नूं ध्यान विच रखदे होए ए कोशिश कीती गई है, तां उन्हां नूं बिना शक एक नवी दृष्टि दे नाल आनंद मिलेगा। पुस्तक दे कुछ अंश वेदां नूं यज्ञ नाल संबंधित मन्या जांदा है। पाणिनि ने यज्ञ दी उत्पत्ति यज धातु नाल कीती है। ब्राह्मण ग्रंथां विच यजुस नूं जज धातु नाल संबंध कहा गया है। इस तरह यज अते यज्ञ तिन्ने एक दूजे दे पूर्वक हो जांदे हन। यजुर्वेद विच जो कुछ भी वर्णन कीता गया है उस नाल यज्ञ दा जजन कीता गया। यज्ञां दे यजन दे कारण उसनूं यजुर्वेद नां दित्ता गया। अजिहा शास्त्रां दा मत है। वेदां दियां मुख तौर ते दो धारावां कही जा सकदियां हन। यज्ञ दा ओह वैदिक रूप जो आदि काल तो अबद गति तो चल रहा है, उस तो सृष्टि दी रचना हुई, उसके अंतर्गत सृष्टि पोषण परिवर्तन चक्कर चल रहा है। यज्ञ दा अलौकिक रूप जो संकल्प नाल कीता जांदा है, उसके अधीन अग्निहोत्रु अते कई यज्ञ दे रीति रिवाज आउंदे हन। लोक व्यवहार विच जीवन यज्ञ दे रूप विच जो जरूरी है वरत्या जांदा है। इस लौकिक यज्ञ प्रक्रिया दा मूल सूत्र है अपने अधिकार खेत्र दी उचित वस्तु नूं देव कारजां अते लोक भलाई दे लई समर्पण कर देना। वेद नूं श्रुति कहा जांदा है। अलौकिक ज्ञान दा इह प्रभाव गुरु दे श्री मुख तो सुन के पैरोकारा राही विस्तार हुंदा रहा। महर्षि वेद व्यास ने उन्हां नूं चार भागां विच संपादन करके नेमबद्ध किया। यजुर्वेद दी शाखावां विस्तार महर्षि वैशंपायन दे पैरोकार द्वारा हुंदा रहा। इन्हां शाखावां दी संख्या दा बहुत कही जांदी है, पर अजे तक उसदे प्रमाणिक सूत्र प्राप्त नहीं हो सके।